चलिए अ वेरी गुड आफ्टरनून। कल इसको बंद करना, इसको बंद। नहीं 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 सीटें नहीं, गार्डन में नहीं बैठे, गार्डन में नहीं बैठे। फिर ये वाला रूप आ जाएगा, दो रूप है मेरे, स्प्लिट पर्सनालिटी। चलो कल शिवी आई थी, आई थिंक आप लोगों से मिलने ना मंडे को, तो आई कुड नॉट मीट हर क्योंकि आपको पता है जो मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ हैज पास्ड अवे, तो वो एक्स्ट्रा थोड़ी सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई हैं, तो मैं इंदौर गई थी और वो लास्ट वीक में आने वाली थी जब मैं थी, वही डिसाइड हुआ था, लेकिन उस समय उसकी EWS सर्टिफिकेट का कुछ प्रॉब्लम था तो वो नहीं आ पाई थी। तो एनीवेज वो तो आएगी दोबारा मेरे से मिलने, पर मैं कल रात को जब मैं ट्रैवल करके वापस आ रही थी कोटा, तो मुझे टाइम मिला उसका रास्ते में सुनने के लिए, और उसको सुनकर मैं शॉक्ड हो गई कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो मुझे इतना खतरनाक समझते हैं। मतलब मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने मेरे हस्बैंड को भी पूछा कि यार ना मेरे दो सींग हैं ना मेरे दांत निकले हुए हैं, ये इतना कैसे डरने लग गए मेरे से, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने बहुत कॉन्टेम्पलेट किया और कुछ पॉइंट्स तो मैंने निकाल लिए कि ये गड़बड़ कहाँ से हुई है, और बाकी पॉइंट्स सुबह वाले बैच में तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और अब मैं आपसे भी करूंगी। तो ये बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल चर्चित टॉपिक चल रहा है उस वीडियो के बाद कि आकांक्षा मैम सीरियस या आकांक्षा मैम फनी। हाँ अच्छा, कितने कितने बच्चे ऐसे जो मुझसे डरते हैं, डरते हैं, डरते हो? अच्छा कितने बच्चे ऐसे जो इसलिए डरते हैं कि हम लेट होंगे तो गेट बंद हो जाएगा? तो ये अच्छा डर है कि बुरा डर है? ये तो अच्छा डर है, तो तुम्हारे फायदे के लिए करती हूँ। चलो कितने बच्चे ऐसे जो इसलिए डरते हैं कि शीट सॉल्व नहीं करके जाएंगे, होमवर्क नहीं करके जाएंगे तो बाहर निकाल देंगी, अगली क्लास में नहीं आने देंगी, करके आते हो? तो आते हो ना, तो ये तो कोई डर ज्यादा हुआ नहीं। चलो कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज के लिए डरते हैं कि अगर मैम के पास कोई क्वेश्चन पूछने गए या कोई अपनी पर्सनल कोई स्टडीज रिलेटेड डाउट कुछ भी पूछने गए तो डर लगता है, तो अप्रोच ही नहीं कर पाते मेरे को? तुम अप्रोच नहीं कर पाती मेरे को? अरे बाप रे, ये तो ये मेरे एंड की गलती है, फिर ये तो मेरे से कुछ गड़बड़ हो रही है। आप लोग नहीं डर जाते हो? क्या डरते हो बताओ यार, बताओ। देखो मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ ना, तो मैं सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं देखती, मैं देखती हूँ उसमें से मेरी लर्निंग क्या है। मुझे नहीं पता था शिवी ने मेरे बारे में इतनी सारी बात करी उस वीडियो में, मैं तो रैंडमली देख रही थी कि उसने तुम लोगों को क्या क्या अपनी जर्नी बताई है और उसमें से कुछ ऐसा है क्या जो मैं आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपको बताने के लिए। तो ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज निकला जो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे मेरे से इतना बुरा डरते हैं। तो क्यों डरते हो बताओ मुझे? डायग्नोसिस तो बनाए तभी तो मैं ट्रीटमेंट करूंगी, बोलो क्या डर लगता है? डर लगता है? और मेरे पास तो कितने सारे स्टूडेंट आते हो तुम लोग सारी अपनी प्रॉब्लम्स ले लेकर, मेरी ख्याल से मैं तो आज तक दांत लगाई नहीं है कभी। फिर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हो, आज मेरे को डायग्नोसिस बनाना है ताकि उसका ट्रीटमेंट करूं और कहानी खत्म करूं। डर डिसिप्लिन का डर है वो तो होना चाहिए, लेट आने का डर है वो होना चाहिए, होमवर्क ना करके आने का डर है वो होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमेडियन नहीं हूँ हंसाने खिलाने के लिए, मेरे दिमाग में टारगेट है कि मुझे आपको पढ़ाना है। हम साथ में बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लिया करेंगे टॉपिक्स के बीच में, वो हम आज से उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसके अलावा कोई डर है तो बताओ खुल के, बोलो बोलो। देखो हाथ उठ रहा है इसका, उठ रहा है क्या? हाँ वो क्लास के बीच में पूछने में, मैं बताती हूँ। देखो क्लास के बीच में पूछने को मैं क्यों मना करती हूँ, उसका रीजन है 99% टाइम्स अगर आप नोट करेंगे तो जो आप पूछने वाले हो ना वो उस लेक्चर के एंड तक आते आते क्लियर हो जाता है। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि वो डाउट पूछना चाह रहा था और वो क्लास खत्म हुई तो अपने आप सॉल्व हो गया, तो उसमें वो मेरा जो इंटेंशन रहता है आपको उस समय जो मैं ऐसे कर देती हूँ हल्का सा कि रुको अभी, वो मैं इसलिए और मैं साथ में बोल भी देती हूँ लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पूछोगे वो चीज़ मैं उस समय नहीं बता सकती क्योंकि उससे रिलेटेड मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। और मुझे पता है जनरली इतने एक्सपीरियंस के पास पता होता है कि इस थ्योरी में से बच्चा क्या पूछेगा, और मुझे पता है मैं उसे क्लियर करने वाली हूँ, और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शेयर भी किया। फिर भी अगर वो डाउट रह जाता है तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ मुझसे बाद में पूछ लो, उसी समय पेन से नोट डाउन कर लो ताकि आप भूले नहीं। उसका रीजन ये होता है, इतना सा रीजन है कि एक स्टूडेंट का डाउट है मान लो और बाकी सबको उसमें डाउट नहीं है, और अगर मैं तुम्हें क्लास में समझाने लग गई उस बच्चे को तो वो सबका टाइम जाता है, और अपन ईयर लॉन्ग में नहीं अपन टाइम सेवर में, वैसे ही अपने पास टाइम कम है। मेरा सब्जेक्ट बड़ा है, बायोलॉजी फुल बायोलॉजी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका डबल पढ़ा रही हूँ, बॉटनी जूलॉजी दो सब्जेक्ट्स, टाइम कम है, 50% कंप्राइज करता है ये सब्जेक्ट, तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, नाम ही है टाइम सेवर।
इसीलिए मैं उस समय रोक देती कि तुम लिख लो, 99.9% वो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा, 0.1% रह गया तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरे से आकर बिल्कुल पूछ लो अपना पर्सनल डाउट। और बोलो, चलो और हो गया क्लियर, और बोलिए। तो अभी भी डर के मारे नहीं बोल रहे हो क्या? सीरियस हूँ तो डर के मारे नहीं बोल रहे हो? और कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है? नहीं। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? बायोलॉजी लग रहा है कि जो आए थे यहां पर उससे बेटर हो रही है? सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्वेश्चंस बन रहे हैं आप लोगों से? बन रहे? तुम्हारा सर नहीं हिल रहा है? कुछ भी नहीं हिल रहा? नेता लोग दो काम करते हैं, या तो सर हिलाते ही नहीं है, या ऐसे ऐसे कि अपने आप देख लो। ये हाँ होता है इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल ना होता है, ये इंडियन हाँ और ना होता है। इसमें से देख लो आप, जो अच्छा लगे वो फिट कर दो। तुम राहुल गांधी की तरफ हो? देख लो, राहुल गांधी पसंद है तो हाँ समझ लो, नहीं पसंद है तो ना समझ लो। तो ऐसा नहीं करना है। कितने स्टूडेंट्स हैं, ऑफ कोर्स जो एकदम नए हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो कुछ दिन से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कि आपको सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? चलिए, तो आज कुछ पॉइंट्स जो मैंने, कितने स्टूडेंट्स हैं जो शिवी के ओरिएंटेशन में थे क्लास में? अच्छा, सब लोग ही थे, तुम्हारे ही बैच में हुआ था ना? चलो, जो लोग नहीं थे वो उसको यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं, पर टाइम वेस्ट मत करना, मैंने उसकी समरी बनाई है कल, और कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। पॉइंट नंबर 1 तो यही था कि फनी या सीरियस। तो अभी क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, जिससे बच्चा डरे भी कि पढ़ के नहीं आऊंगा तो बहुत खतरनाक रूप धारण कर सकती है चंडिका चंडालिका का, और अगर पढ़ के आऊंगा तो फिर बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, कोई भी डाउट के साथ मैम को मैं अप्रोच कर सकता हूँ। अगर स्टूडेंट मेरा मुझे अप्रोच नहीं कर पा रहा अपनी डाउट के साथ में, तो वो मेरी हार है, वो फिर मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही है, वो मेरा कॉन्टेम्पलेट आत्मचिंतन करने का विषय होता है। चलो, मैं कोशिश करूंगी ऐसा किसी के साथ ना हो।